आप रेकी हीलर हीलर हैं और आपके नाम के आगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है ग्रैंड मास्टर ये भी मैंने आज पहली बार देखा है मैंने चेस का ग्रैंड मास्टर देखा था रेकी ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है सर मुझे खुद नहीं सोचना था टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अगर मुझसे आप कहीं कहेंगे ग्रैंड मास्टर मैं हूँ तो मुझे शर्म आती है ओके okay. ऐसे मुझे क्या? बहुत लज्जा फील होती है क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ग्रैंड मास्टर के लायक हूँ भी ओके ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है जिसने अपने आपके मास्टरी को कर लिया मास्टरी से भी आगे पहुँच चुका हो अभी तक वहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं तो क्या है इसका क्या लेवल है, है शिक्षक okay. एक होता है अध्यापक okay. आचार्य okay. शिक्षा दे बिना आचार्य hmm. बिन hmm. ने hmm. आचरण में लिया है, hmm. होता है। hmm. मैं इन बातों में बिलीव करता हूँ मुझे ग्रैंड मास्टर आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि नाम के आगे सबके फैंसी वर्ड लगा हुआ तो मेरे भी लग गया वो ग्रैंड मास्टर रहे होंगे जिन्हें हम उस कहते हैं मैं तो नहीं मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ Hmm. काम हो तो रहा है इसलिए थोड़ा नाम फेमस हो गया है आप अपने आप को प्रैक्टिशनर कह रहे हैं तो आपने किसी ना किसी को तो गुरु माना होगा सर महादेव को अरे वाह अपने पिता को और महादेव को hmm. पिता तो इस दुनिया में नहीं है hmm. महादेव को बहुत मानता हूँ तो महादेव क्या महादेव भी कभी रेकी हीलिंग से रिलेटेड थे महादेव तो प्रेम से रिलेटेड थे okay. उन्होंने तो शक्ति को पार्वती रूप में देखा और पार्वती से शक्ति का हाँ। जो एक यात्रा है उन्होंने खुद कराई वहां बैठ के जैसे भैरव तंत्र लिखा गया है जहाँ ध्यान की विधियां बताई गई हैं तो महादेव से बड़ा हीलर तो मुझे कोई नहीं दिखा कार्तिक के के, जब अंदर अहंकार था उस अहंकार को कई बार उन्होंने शांति दी गणेश का जब घमंड बढ़ा अभिमान बढ़ा तो गजमस्तक बनाया तो मुझे लगता है या ब्रह्मा जी का पंचवा मुख जो था उसे मुख विहीन करा ब्रह्मा को तो मुझे लगता है उनसे बढ़िया तो हीलर कोई नहीं है हीलर भी नहीं है उनसे बढ़िया रेमेडीज भी कोई नहीं दे सकता मेरे को तो वही गुरु लगते हैं और अंदर से फील भी होने के लिए आती है पता नहीं क्यों तो so फाइनली अगर रेकी से देखा अगर मैं समझूं तो क्या रेकी सिर्फ मानसिक रोगों को ठीक करती है शारीरिक रोगों को ठीक करती है हर तरह के रोग बिल्कुल नहीं हम इस 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 रूम की इस की इस की किसी की दीवार माइक माइक किसी भी भी हीलिंग हीलिंग कर सकते हैं अच्छा। ये को जब मैं करके बैठूंगा तो मुझे वो वर्ड देगा जो मेरे हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी टैप करेगा इन कपड़ों को यदि मैं हीलिंग करूंगा तो ये मुझे वो आभा देंगे जो दुनिया के अंदर मुझे प्रख्याति देगी कुख्याति नहीं देगी यानी परफ्यूम लगाने की जरूरत है अगर हीलिंग कर ले आपके अंदर महक ऐसी है जिसे परफ्यूम की जरूरत ही नहीं होती अच्छा। कस्तूरी कहते हैं उसे हाँ। कस्तूरी हर एक के अंदर होती है अगर वो फ्लेवर आपने चख लिया तो उसके बाद कोई फ्लेवर नहीं चाहिए होता तो रेकी से जगा हैं। सकते रेकी क्या सर वो तो हमारी ऊर्जा है रेकी तो बहुत छोटा रूल है रेकी के आगे हीलिंग है ना उसे हम प्राण चिकित्सा कहते हैं रेकी तो बहुत छोटा सा नाम है